Hello and welcome, dear students. In the previous video, we had completed till the features of multiprocessing capabilities, that is throughput. Throughput means number of jobs completed in a given amount of time. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास multiple CPU systems available हैं, तो हमारा ज़्यादा कार्य कम समय में हो पाएगा, तो throughput automatically बढ़ जाता है. It increases the economy of sale, यानी कि सिस्टम में जब हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू सिंगल कोर सिस्टम्स. एंड रिलायबिलिटी मीन्स यदि एक सीपीयू फेल हो जाए तो बाकी के सीपीयू उसका काम संभाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर चार सीपीयू हैं, सीपीयू 0, 1, 2 एंड 3, सपोज सीपीयू 3 फेल हो गया तो उसका 25% का जो कार्य है बाकी के तीन सीपीयू में डिवाइड हो जाएगा. The next capability is hierarchical file system. This figure explains how the files and the folders, folders means directories, are arranged in the Linux operating system. यहाँ पर जो main directory होती है उसे बोला जाता है root. जैसे Windows operating system में आप सभी my computer देखते हैं, my computer के बाद तीन drives होती हैं या फिर चार drives होती हैं, C, D, E, F. उसके अंदर हम folders, subfolders and files बनाते हैं. यहाँ पर मेन डायरेक्टरी रूट होती है एंड अलग अलग फोल्डर्स बनाए जाते हैं, यानी कि डायरेक्टरीज बनाई जाती हैं. /dev फॉर डिवाइस, /boot फॉर द बूटिंग पर्पसेस, /etc, /home, /lib लाइब्रेरी फाइल्स मीडिया फाइल्स के लिए, /where, /user. हर एक यूजर के लिए अलग अलग फोल्डर बनाया जाता है, हर एक डायरेक्टरी बनाई जाती है और हर एक यूजर सेपरेटली अपनी फाइल्स उन डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर कर सकता है. सो दिस इज अ हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के लिए जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. सो हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर इन विच द सिस्टम फाइल्स एंड द यूजर फाइल्स आर अरेंज्ड. सारी सिस्टम की फाइल्स और ये सारी यूजर की फाइल्स यूएसआर के अंदर हम इसको हायरार्की में, यानी कि टॉप टू बॉटम मैनर में स्टोर करके रख सकते हैं. इट यूजेस एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स टू स्टोर द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. एंड ये इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि सभी फाइल्स को हमें यूजर्स के बीच में शेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सभी फाइल्स सर्वर पर रखी जाती हैं. सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक रूट डायरेक्टरी दिखेगी. रूट का नाम केवल होता है स्लैश, इसका कोई नाम नहीं होता. इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश, इवन इफ दे आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल डिवाइसेज. भले ही अलग अलग फिजिकल डिवाइसेज पर स्टोर किए जाते हैं तो भी एक मेन जो रूट डायरेक्टरी होती है उसको स्लैश से इंडिकेट किया जाता है. नेक्स्ट फीचर इज शेल. लिनक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे बोला जाता है शेल. शेल के बारे में पहले भी बताया गया था एक वीडियो में कि अगर आप हार्डवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं कर्नल के द्वारा, तो सभी एप्लीकेशंस को शेल के थ्रू जाना पड़ेगा. शेल मीन्स इट इज द कमांड इंटरप्रेटर. जो भी यूजर कमांड देता है वो शेल के थ्रू ही यूजर को एक्सेस किया जाता है. सो इट इज अ स्पेशल कमांड इंटरप्रेटर प्रोग्राम. इंटरप्रेटर यानी कि जो कमांड को समझने का काम करता है. एंड इट इज यूज टू एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये काम में आता है. इट इज ऑल्सो यूज टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सच एज ओपनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग द जॉब्स. यदि कोई भी एप्लीकेशन को यदि आपको ओपन करना हो तो आप शेल की मदद से ओपन कर सकते हैं और अपने जॉब्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे बोला जाता है सिक्योरिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड लिनक्स प्रोवाइड्स वेरी हाई एंड वेरी टाइट सिक्योरिटी. उसके लिए एक ये बेस्ट एग्जाम्पल है. जब आप लिनक्स में एक कमांड लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिनक्स के कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में यदि आपने लिखा ls -l, ls मीन्स लिस्ट स्पेस -l, इस तरह का कमांड लिखने से ls -l, ये कमांड लिखने से इस प्रकार का पूरा फाइल्स की लिस्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज डिटेल लिस्टिंग ऑफ द फाइल्स. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स यूजर सिक्योरिटी यूजिंग ऑथेंटिकेशन फीचर्स लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन. आप अपनी फाइल्स को पासवर्ड दे सकते हैं और हर एक फाइल के ऊपर कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक फाइल्स. एंड यूजर कैन इवन एनक्रिप्ट द डेटा. एनक्रिप्ट का मतलब होता है कि उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू
साइफर टेक्स्ट। जब यूजर ls-l कमांड लिखता है, लॉन्ग लिस्टिंग करता है, तो ये पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। ये डिटेल्स क्या इंडिकेट करती हैं? स्टार्टिंग में परमिशंस, दिस इंडिकेट्स सिक्योरिटी परमिशंस। लेट अस सी ईच एंड एवरी फील्ड इन डिटेल। दिस इज द फाइल नेम, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द फाइल इज फाइल वन। दिस इंडिकेट्स डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द फाइल वॉज मॉडिफाइड ऑन May 25th एट 10:13 PM। द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट्स, 130 bytes। द नेम ऑफ द ग्रुप, द नेम ऑफ द ओनर एंड लिंक। जैसे कि पहले वाले पॉइंट में बताया गया था कि आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं बिकॉज इट यूजेस ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पर लिंक इंडिकेट करती है कि कितने यूजर्स फाइल को शेयर कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 प्रकार के यूजर्स होते हैं और हर एक यूजर के लिए 3 परमिशंस होती हैं, R, W, X, R, W, फॉर एग्जाम्पल X, R, फॉर एग्जाम्पल W, X। आप अज्यूम करें कि यहाँ पर सब जगह पर 3 बार R, W, X लिखा है, R, W, X, R, W, X, R, W, X। ये फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो R, W, X हैं, ये 3 कैरेक्टर्स यूजर के लिए हैं, यानी कि ओनर के लिए, ओनर को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट RWX इंडिकेट करता है ग्रुप को, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप का नाम है स्टाफ। और नेक्स्ट RWX इंडिकेट करता है अदर्स, यानी कि बाकी सभी यूजर्स को। R means read permission, W means write permission, X means execute permission। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक डैश दिया गया है, दिस डैश इंडिकेट्स दैट दिस इज अ फाइल। यदि यहां पर डैश नहीं हो, यहाँ पर अगर मुझे डायरेक्टरी को इंडिकेट करना है कि ये कोई डायरेक्टरी यानी कि कोई फोल्डर है, तो यहाँ पर डैश की जगह पर लिखा हुआ होगा डी। फिलहाल यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, सो इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ फाइल। सो इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स RWX ये इंडिकेट करते हैं कि यूजर जो कि जिम है, ओनर जो कि जिम है, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों करने की परमिशन है। सेकेंड ग्रुप जो है RW डैश, इट इंडिकेट्स स्टाफ नाम के ग्रुप को रीड और राइट करने की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। सिमिलरली R डैश डैश इंडिकेट्स कि जितने भी बाकी सभी यूजर्स हैं, वो केवल फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन वो राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इस तरह से 3 प्रकार के यूजर्स बनाकर मैं अलग अलग तरह से परमिशंस दे सकता हूं, और ये परमिशन फाइल का ओनर देता है। So this provides a very tight security in Linux operating system. So these are the most important features of Linux operating system. The first is portable, means आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पर transfer कर सकते हैं. It is open source, the source code is freely available. Internet से download करो, उसमें modifications करो, किसी में भी install करो, आपको कोई भी charge देने की जरूरत नहीं है. Multi-user, आप सर्वर पर इंस्टॉल करके मल्टीपल क्लाइंट मशीन से साइमल्टेनियसली उसे एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, इसमें मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली रिसाइड करते हैं और वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इससे हमारा वेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग यानी कि सिंगल सीपीयू एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, एंड मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि मल्टीपल सीपीयूज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के होने के लिए मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के होने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग होने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट इज हायरार्किकल फाइल सिस्टम, यानी कि टॉप टू बॉटम एक ट्री जैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसका रियल नाम है एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। शेल, इट इज द कमांड इंटरप्रेटर, जिसकी मदद से हमारे सारे कमांड्स जो भी यूजर देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल तक पहुंचते हैं ताकि कर्नल उसे इंटरप्रेट कर सके। शेल की मदद से कर्नल हमारे सारे कमांड्स को, एप्लीकेशंस के सारे कमांड्स को आसानी से इंटरप्रेट कर सकता है और समझ सकता है। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी, बाय प्रोवाइडिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस यानी कि परमिशंस फॉर यूजर्स, ग्रुप्स एंड अदर्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।